ही हम कदमों की आहट जान लेते हैं कि दूर से ही हम कदमों की आहट जान लेते हैं। ऐ जिंदगी तुझे हम दूर से ही पहचान लेते हैं। ऐ जिंदगी तुझे हम दूर से ही पहचान लेते हैं। भाई इसमें ताली बजने चाहिए। अगली बार बताना पड़े प्लीज बजाते जाओ। मैं आपको वो सुनाऊंगा जिसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इन दिनों देखा गया है कि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी आई है ना, सबसे ज़्यादा कमी है किसी चीज़ की, तो वो कमी ह्यूमैनिटी की है, मानवता की है, इंसानियत की है। इसके लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं। मैं भी भगवान को मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं भगवान को नहीं मानता कि कुछ भी, पर फिर भी मैं इस बात को बोलना चाहूँगा कि संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, कि संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता, कि संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को पूजते हैं इसलिए क्योंकि कोई भरोसेमंद इंसान नहीं मिलता, कोई भरोसेमंद इंसान नहीं मिलता। एक मैंने लिखी थी ये जो एक कविता है, ये कविता मैंने लिखी थी, बहुत पहले लिखी थी, और जितने भी स्टेजेस पे गए हो जिनको भी सुना रहा हूँ ये कविता बहुत पसंद आई उन्हें, और ये मेरे दिल की बहुत ज़्यादा करीब है। उम्मीद करता हूँ कि जिनकी भी अटैचमेंट उनकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा होगी उनको भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है ये। तो ये एक माँ और उनके बेटे की है, काफ़ी लोग इसको सुने भी हैं, मैंने यूट्यूब में भी अपलोड की है, आप वहाँ भी सुन सकते हो, लेकिन लाइव सुनो, अभी मज़ा उठाओ इस चीज़ का। और उम्मीद करता हूँ अगर आपका और आपकी माँ का सेम अटैचमेंट है जैसा मैंने इस पोएम में लिखा है तो मुझे बताना कि मैंने सही चीज लिखी है। ये उस समय की बात है जब आप यहाँ आते हो, उस समय की बात है, तो मैं बनाना चाहूंगा कि मन की गलियों में अनजान सा सन्नाटा है। एक इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले बाकी बता देता हूँ कि बात मुझे कुछ समझ ना आ रही थी, कि बात मुझे कुछ समझ ना आ रही थी, वो माँ थी मेरी जो मेरे अरमानों को पंख लगा रही थी, कि बात मुझे कुछ समझ ना आ रही थी, वो मेरी माँ थी जो मेरे अरमानों को पंख लगा रही थी। अगली लाइन में दाब देना कि वो अंदर से नम पर बाहर मुस्का रही थी। याद करो जब आप आते हो ना तो आपकी माँ इमोशनल रहती है, लेकिन वो जताती नहीं है आपको कि ताकि आप इमोशनल ना हो जाओ, आप कमजोर ना पड़ जाओ, वीक ना हो जाओ। तो वही है कि वो अंदर से नम पर बाहर मुस्काती है, वो माँ ही है जो हर रोज मुझे घर बुलाती है, वो माँ ही है जो हर रोज मुझे घर बुलाती है। अगली चंद पंक्तियों में मैंने माँ को और भगवान को कंपेयर कर दिया है भाई, लेकिन हम सबको पता है भगवान को हमने देखा नहीं है। तो इस धरती में जो भगवान का रूप है वो माँ बाप ही है। तो उसके लिए मैंने लिखी है कि ईश्वर है या नहीं इसकी सच्चाई क्या है, कि ईश्वर है या नहीं इसकी सच्चाई क्या है, मुझे मेरे माँ में ही खुदा दिखता है इसमें बुराई क्या है, कि मुझे मेरे माँ में ही खुदा दिखता है इसकी इसमें बुराई क्या है। तुम नहीं कर सकते उसके किरदार का फैसला, कि तुम नहीं कर सकते उसके किरदार का फैसला, वो माँ ही नहीं मेरी परछाई क्या है, वो माँ ही नहीं मेरी परछाई क्या है। याद करो उस टाइम को, याद करो यार जब आप बहुत छोटे थे, शायद याद नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटे थे। तो उस समय की बात लिखा हूं मैंने कि गीले में रहकर सूखे में लिटाया है। याद है सुनना भाई, अगर सही बात हो तो ताली बजा देना, ये कोई बात नहीं। कि गीले में रहकर सूखे में लिटाया है, रात रात भर जगकर मुझे सोना सिखाया है, कि गीले में रहकर सूखे में लिटाया है, रात रात भर जगकर मुझे सोना सिखाया है। मैं ममता की आंचल में रहूंगा उम्र भर, तुम ममता की आंचल में रहोगे उम्र भर, ये किसी और ने नहीं उस खुदा ने तुम्हें वरदान दिलाया है, ये उस खुदा ने तुम्हें वरदान दिलाया है। यार मैं रात को 3 या 4 बजे के करीब एक कुछ लाइनों को मैंने लिखा था जिसके लिए मैं मशहूर हूँ, कि मशहूर क्या हो, बस दोस्तों को सुनाता रहता हूँ। तो कुछ लाइनें लिखी हैं, मोटिवेशनल है, आप सभी को अच्छी लगेंगी, जिंदगी में आपको बहुत ही काम आने वाली है ये लाइनें। एक छोटा सा लिखने वाला हूँ पर फिर भी बात बड़ी करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से रहना, कान खोल के सुन लेना, जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। इसकी थोड़ी सी प्लॉट लाइन में बताना चाहूंगा आपको कि आपने समंदर देखा है और नदियां देखी हैं,
अरे पूरे विश्व की पूरी नदियां मिल जाए तब भी वो समंदर का पानी के बराबर का मुकाबला नहीं कर सकती, इतना पानी है समंदर में। बस यही बात समंदर के अंदर, उसके जो वो घमंडी है ना समंदर, सिर्फ यही बात को लेके घमंडी है, उसके अंदर इतना पानी है, इतना पानी है, वो घमंडी हो चुका है इसलिए उसका पानी खारा है। लेकिन नदियों का पानी कम है, वो बहती जा रही है, बहती जा रही है, इसलिए नदियों का पानी मीठा है और उसे पिया जाता है। गंगा यमुना सरस्वती ऐसी नदियों को पूजा जाता है। तो आप नदी बनना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कंप्लीट मत मानना कभी भी, कितना भी जान लो, कितना भी पालो, लेकिन याद रखना कि कोई भी चीज कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप कंप्लीट नहीं मानोगे, सीखते जाओगे तो आप नदी रहोगे, आप मीठे बनोगे। अगर आप जिस दिन अपने आप को कंप्लीट मान लिए, समंदर हो जाओगे, खारे हो जाओगे, अब कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, फिर आपके पास बीच पे ही जाएंगे हनीमून मनाने, जो भी है व्हाटएवर। तो मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी है, उस पे ये प्लॉट लाइन थी, मेन लाइन अब मैं बोलने जा रहा हूं कि क्यों क्यों ठहराव आ गया समंदर बन जाना है, कि क्यों ठहराव आ गया समंदर बन जाना है, कौन तेरा कौन मेरा यहाँ किसका ठिकाना है, कि क्यों समंदर बन जाना है, कौन तेरा कौन मेरा यहाँ किसका ठिकाना है। समय साधन साध्य सामर्थ, बात सुनना मेरे ध्यान से, चार चीजें हैं, समय साधन साध समय साधन साध्य और सामर्थ मुट्ठी में है तेरे, समय साधन सामर्थ साध्य मुट्ठी में है तेरे, समस्याएं तो एक छोटा बहाना है, उठ तुझे बड़ी दूर तक जाना है, उठ तुझे बड़ी दूर तक जाना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।